आइए अब दूसरा गीत है, आप सभी लोग सुन रहे हैं राधे कौशिक सिमरा चौराहा के सौजन्य से, आप सभी लोग सुन रहे हैं। कहना है देखिए मेरे भाइयों, अगर बाबा साहब इस धरा भूमि पे ना आए होते तो इस सर्व समाज का उत्थान नहीं होता, इस बहुजन समाज के लोगों का मान सम्मान नहीं होता। कैसे मेरे भैया? कहना है अरे भीम जी तेरे दुख की कहानी, हो भीम जी तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है। भीम जी तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है। बच्चे बच्चे को इसका पता है, बच्चे बच्चे को इसका पता है, क्योंकि ज्यादा पुरानी नहीं है। भीम जी तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है। क्योंकि मेरे भैया अभी अपना संविधान लागू हुए केवल 72 साल हुए, आज 72 साल आज़ादी के बीते, लेकिन हमारे समाज के लोग बाबा साहब के त्याग और बलिदान को भूल गए। धन्य है बाबा साहब। जो था पशुओं के पीने का पानी वो अछूतों को पीना मना था, मेरे भैया सन 1950 से पहले हमारे समाज के पूर्वजों को पानी तक पीना गुनाह हुआ करता था। जिस तालाबों में पक्षी नहाया करते थे, हमारे समाज के लोगों को एक चुल्लू एक बूंद पानी नहीं पीने दिया जाता था। कहना है जो था पशुओं के पीने का पानी वो अछूतों को पीना मना था। देख इतिहास लो तुम उठा कर, देख इतिहास लो तुम उठा कर, ऐसी दुखी कहानी नहीं है। भीम भीम जी तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है। और मेरे भैया क्या किया है बाबा साहब ने इस समाज के लिए? आपने ताल पर चोट खाई जान की बाजी तुमने लगा कर, आपने ताल पर चोट खाई जान की बाजी तुमने लगा कर, और
जो अछूतों को पानी पिलाया, जो अछूतों को पानी पिलाया, याद उसकी भुलानी नहीं है भी। भीम जी तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है। और क्या किया है बाबा साहब ने समाज के लिए मेरे भैया। देश आजाद जब हो रहा था जाके लंदन में गोरों से बोले, मेरे भैया जिस समय आजादी का गदर चल रहा है उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बराबर लंदन को आना जाना, अंग्रेजों के बीच में कॉन्फ्रेंस करना इस समाज के लिए बाबा साहब का जारी रहा। मेरे भाइयों आज बाबा साहब के 12 साल की कमाई हमारे समाज के लोग मेरे भाई बाबा साहब की कुर्बानी को भुला दिया। धन्य है बाबा साहब। देश आजाद जब हो रहा था जाके लंदन में गोरों से बोले, जिन अछूतों से जिंदा है भारत, जिन अछूतों से जिंदा है भारत, उनकी कुछ जिंदगानी नहीं है भी। भीम जी तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है। और मेरे भाई क्या किया है बाबा साहब ने। मेरे भैया दोहरे मत का अधिकार जो मांगा उस पे गांधी ने अनशन किया, मेरे भैया बाबा साहब इस समाज के लिए एक नहीं बल्कि दो ओंठों का अधिकार मांगा करते थे, लेकिन यहाँ के ढोंगी समाज के लोगों ने, यहाँ के मेरे भाई मनवादी व्यवस्था के लोगों ने बाबा साहब की इस मिशन को नहीं पास किया। और मेरे भाई हाई स्कूल व इंटर पास किए हुए बच्चों को मताधिकार का अधिकार देने का किया, तो बाबा साहब ने जनगणना करवाई। उस समय मेरे भाई केवल 1400 लोग अपने भारत देश के पढ़े लिखे लिखने। धन्य है बाबा साहब। दोहरे मत का अधिकार जो मांगा उस पे गांधी ने अनशन किया, प्राण का दान गांधी को देकर, प्राण का दान गांधी को देकर, ऐसा कोई भी दानी नहीं है भी। भीम जी तेरे दुख की कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है। प्रेम से बोलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की।